उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। 10 दिन की गणपति चतुर्थी से लेकर अनंत चौदश तक, ऐसा लगता है जैसे कि कल ही की बात है। जो प्रथा लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी की इसी लड़ाई को बरकरार रखने के लिए अंग्रेज़ों के सामने हमने न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है हमारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए। संगठित होना बहुत ज़रूरी है, यही लोकमान्य तिलक जी ने हमें सिखाया था और इसीलिए गणेश महोत्सव का प्रारंभ भी किया गया था और इसी प्रथा को हम सभी भारत के लोगों ने बरकरार रखा है, जारी रखा है। तो आइए फिर एक बार सब भारत के हर नागरिक एकजुट होकर अखंड भारत का फिर एक बार निर्माण करते हैं। देश बदल रहा है, सही मायने में देश बदल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के हम सब आत्मनिर्भर भारतीय हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर हमारे देश भारत को अखंड भारत फिर एक बार बनाना होगा। सनातन भारत के साथ सनातन संवाद, भारत नेत्रम एवं उज्जवल भारत न्यूज चैनल की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य आप सभी को अपील करती है कि हम सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर संगठित रहना है। करणी सेना भारत की मीडिया प्रभारी होने के नाते सीमा भट्टाचार्य सभी को अपील करती हूँ, हम सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर संगठित रहना है ताकि कोई भी दुश्मन हम पर आँख उठाकर देख न सके, क्योंकि संगठन में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। संगठित रहिए, एकजुट होकर रहिए, एक रहिए। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य धन्यवाद। फिर एक बार गणपति बप्पा मोरिया। आनंद आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।